मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, थोड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी वो। सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। एग्जाम्पल 4.12 देख लें, एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। इस एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 ये वैसे डेफिनेशन तो हमने कर ली थी सुबह, बट ये एग्जाम्पल देखें। अगर हमारे पास आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस जैसे रियल स्पेस है, हमारे पास इसकी डायमेंशन हमें पता है कि 3 है, तो इसमें हमने देखना है कि 0 डायमेंशन की इसकी सब स्पेस कौन सी होगी, 1 डायमेंशन की सब स्पेस कौन सी होगी, 2 डायमेंशन की सब स्पेस कौन सी होगी। देखें ए पार्ट में कहा गया है जो इसकी 0 डायमेंशन की सब स्पेस है वो कौन सा है, जो इसकी नल स्पेस है उसकी 0 डायमेंशन है। एम सी क्यूज है, ये चारों जो पार्ट्स हैं एम सी क्यूज हैं। इसकी 1 डायमेंशन की जो सब स्पेस है वो लाइन थ्रू द ओरिजन है जिसको आप वाई इक्वल टू एक्स कहेंगे, और उसमें जी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सी जो आपके पास है डायमेंशन जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू रू जिसकी होगी वो क्या होगा, प्लेन होगा थ्रू द ओरिजन। और जो डी पार्ट में आप कह रहे हैं वो क्या है, उसकी डायमेंशन 3 और वो एंटायर स्पेस है। ठीक है, तो ये एम सी क्यू ज़रूर याद रखें, जो लाइन थ्रू ओरिजन है वो आप उसकी डायमेंशन 1 ले, जो प्लेन थ्रू ओरिजन है उसकी डायमेंशन 2 है। ये इसमें से था, फिर हम सॉल्व प्रॉब्लम पे जा रहे थे, वो हम कर रहे थे, उस पर वापस चलते हैं। ये रिजल्ट भी हम सॉल्व प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे होंगे जो थ्योरम 4.20 है। अगर हमने सम जो है वो सम भी डिफाइन किया था कि वेक्टर स्पेसेस का सम कैसे डिफाइन करते हैं, यू और डब्ल्यू जो है हमारे पास अगर फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेसेस वेक्टर स्पेस वी के हों तो यू प्लस डब्ल्यू जो है उसका सम तो हम डिफाइन कर सकते हैं, हमने पहले लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है। इसकी डायमेंशन का क्या लिंक होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है, यू प्लस डब्ल्यू की जो डायमेंशन है वो इक्वल टू होती है यू डायमेंशन यू प्लस डायमेंशन डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल भी इसकी डिस्कस की हुई है, M22 हमारे पास मेन स्पेस है, सुबह हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी दो सब स्पेसेस उसने कंसिडर की हैं, एक सब स्पेस कौन सी है जिसमें इस टाइप की मैट्रिसेस हैं, जो फर्स्ट रो है वो नॉन जीरो है, दूसरी जो सब स्पेस कंसिडर की है वो ऐसी मैट्रिसेस जिनकी फर्स्ट कॉलम जो है वो नॉन जीरो है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो कैसी हमें मैट्रिक्स मिलती है जिसका फर्स्ट प्राइमरी डायगोनल पे ये वाला एलिमेंट जीरो बचा है तो बाकी सारे नॉन जीरो हो जाते हैं। और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनकी जो फर्स्ट एंट्री है वो नॉन जीरो होगी, तो उसने ये जो वेरिफिकेशन की है, इस फार्मूला की वेरिफिकेशन की है कि इंटरसेक्शन जब इनको प्लस करते हैं उनकी जो डायमेंशन आती है वही इनको फार्मूला यही यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन आगे आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन उसमें नोट्स में हमने शायद ही की थी, वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस इफ एंड ओनली इफ यू प्लस डब्ल्यू जो है वो पूरी स्पेस जनरेट कर दे और उन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो एलिमेंट आ रहा हूँ। उसके बाद ये आई थिंक हमने क्वेश्चन स्किप किए थे, इसमें ये एग्जाम्पल्स हमारे पास वेक्टर स्पेस आर क्यूब है, हम उसकी दो सब स्पेसेस कंसिडर कर रहे हैं, यू जो है उसमें ए बी जीरो और जो डब्ल्यू सब स्पेस है उसमें जीरो बी सी है। अब देखिए इसके एम सी क्यूज एक आगे क्वेश्चन में भी जाके एक सॉल्व प्रॉब्लम भी आ जाता है, आपसे वो डायमेंशन पूछ सकते हैं कि इसकी यू प्लस डब्ल्यू की मैक्सिमम डायमेंशन क्या हो सकती है, मिनिमम डायमेंशन क्या हो सकती है। उसके बाद यू जो है वो एक्स वाई प्लेन है और डब्ल्यू जो है वो जी एक्सिस है, इसकी भी डेफिनेशन देख लें। यू अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसने जी एक्सिस को जीरो लिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन में जी ऑब्वियसली जीरो होता है, और जब जी एक्सिस कंसिडर किया तो उसने एक्स वाई की वैल्यू जीरो की है। देखें डब्ल्यू के केस में क्या किया हुआ है और यू के केस में क्या कंसिडर किया हुआ है, ये चीज़ भी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो क्या उसकी कोऑर्डिनेट्स होंगी, उसकी सेट नोटेशन क्या होगी, और जेड एक्सिस की अगर बात करें तो उसकी सेट नोटेशन क्या होगी।
जैसे आपसे वो ये प्रूफ तो नहीं मांगेगा कि इसका प्रूफ क्या है, बट इसमें जो टर्म यूज़ हो रही हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, उसके हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये थोड़े से आगे के क्वेश्चन हैं, इनमें ये टॉपिक्स नहीं है हमारे इस लेवल के, MSc लेवल के नहीं होते नॉर्मली। सॉल्व प्रॉब्लम्स पे ही चलते हैं जहाँ पे हमने सॉल्व किया था ये। इसमें हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे सॉल्व प्रॉब्लम्स में, ये कर रहे थे 4.9 हमने देखा था, पॉलीनोमियल इंटीग्रल कोफिशिएंट्स अगर आ जाते हैं उनमें क्या होता है, ये दोनों मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद इनको देखना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या दी जा रही है, कैसे वो शॉर्ट रेट यूज़ कर रहे हैं सब स्पेस को डिसप्रूव करने के लिए, और यहाँ पे भी प्रूव करने के लिए डिसप्रूव करने के लिए क्या शॉर्ट रेट, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद करना, मैंने आप लोगों को कहा हुआ है। सिमिलरली 4.11 भी मैंने आपको दिया था, ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से भी MCQs की तरफ जा सकते हैं कि आपको वहाँ पे पूछा जाए कि सब स्पेस है या नहीं, ये डेफिनेशन दी हुई है। अगर इसमें आपको इनमें इन तीनों क्वेश्चन में किसी जगह का आपको प्रॉब्लम है तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे सॉल्व किए गए जस्ट आपने इनका समझना है कि कैसे शॉर्ट वे में ये सॉल्व किए गए। ये चीज़ भी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस जो है वो अगेन सब स्पेस फॉर्म करता है, ये भी ट्रिवियल सा रिजल्ट है जो हर स्ट्रक्चर में हम प्रूव कर रहे होते हैं। लीनियर स्पैन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर स्पैन क्या है कि दो वेक्टर्स के दो या तीन जितने भी वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन में, हम उनके साथ स्केलर्स जो है वो खुद से डिफाइन करते हैं, और उनकी अगर वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो लीनियर स्पैनिंग सेट उसमें हम कहते हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं इसलिए क्योंकि सॉल्यूशंस हैं, तो इसकी तरफ तो हम नहीं जा रहे कि इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, ऑब्वियसली इतने लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन आके डिपेंडेंट केस में आ जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से MCQs कैसे बन सकते हैं, ABC कैसे फाइंड करें। 4.15 जो रिजल्ट है इसको देख लें, जो PFT हमारे पास जनरल पॉलीनोमियल्स की जो स्पेस है उसकी डायमेंशन इन्फिनिट है, फाइनाइट नहीं है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कायदे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हुए हैं, उनको पता है कि ये MPhil के टेस्ट में अक्सर आ जाता है, PhD या MPhil के टेस्ट दोनों में से किसी एक में आ जाता है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, तो MCQ भी ये बन सकता है कि PFT की जो पॉलीनोमियल रिंग है पॉलीनोमियल वेक्टर स्पेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसकी डायमेंशन क्या है। ये रिजल्ट्स हम उधर नोट्स में कर चुके हैं सुबह, स्पैन ऑफ एस इज सब स्पेस ऑफ वी, W इज़ द सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग एस, स्पैन ऑफ एस इज कंटेनिंग W, ये चीज़ हम उधर सुबह कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप देख लें, देखें आप देखें ना, एक लाइन में उसने यस और नो की बात की है, क्यों कैसे बात की है, यही तो MCQs हैं कि एक लाइन में एक 30 सेकेंड में आप कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। 4.17 फर्स्ट पार्ट देखें, दो वेक्टर्स हैं U और V और उसने फ़ौरन से नो कर दी है, उसकी रीज़न उसने देखें ये लिखी हुई है, ये रीज़न है टू वेक्टर्स यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज मल्टीपल ऑफ अदर। ये इस चीज़ में सुबह आपको बता चुका हूँ कि अगर एक दूसरे का वो मल्टीपल है, ये कब हम यूज़ कर सकते हैं जब दो वेक्टर्स हो, दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उसके लिए हम एक और आगे अगले क्वेश्चन में वो यूज़ कर रहे हैं मेथड। तो जब दो वेक्टर्स हैं तो आपने जस्ट क्या चेक करना है, एक दूसरे का कोई मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर नहीं बन रहा तो वो क्या है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, अगर कोई एक दूसरे का मल्टीपल बन रहा है तो वो डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो ए पार्ट में उसने फ़ौरन से नो कर दिया, बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में रीजन क्या है, कौन सा वेक्टर किसका मल्टीपल बन रहा है, अगर आप यू वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी वेक्टर आपके पास आ जाता है, तो ये एक दूसरे का मल्टीपल बन गया, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं डिपेंडेंट है, ठीक है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, वही जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था। सुबह सी पार्ट जो देखें, यू जो है वो वेक्टर 1, 2, 3 -5 है, 1, 2 -3 और जो वी वेक्टर है वो 4, 5 -6 है, तो अब ये दोनों पार्ट्स में वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो मैं ए और बी पार्ट्स में आपको बता दिए कि आपने चेक करना है कि लीनियर कम्बिनेशन वो जो स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल नंबर्स में हमने कैसे चेक करना है। अब जो 4.18 है इसमें क्या बात की जा रही है, हमारे पास दो पॉलीनोमियल्स हैं, दो पॉलीनोमियल्स को हमने चेक करना है कि ये डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ये कौन सी स्पेस के ये पॉलीनोमियल्स हैं,
आर क्यूब टू ऑफ टी की है, पी टू ऑफ टी, टू डिग्री हाईएस्ट है, पी टू ऑफ टी की दोनों पॉलीनोमियल्स हैं। तो इनमें देखें, अगर आप फर्स्ट जो यू है इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड पॉलीनोमियल आ जाता है, एक दूसरे का मल्टीपल है। मैट्रिस चले, ये जो बी पार्ट है यहाँ पे देखें, एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है ये, तो ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू मैट्रिक्स को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास वी मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये दोनों डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही क्योंकि ये चेंज हो गए, यहाँ पे ये मल्टीपल नहीं बन सकते, ये बन सकते हैं। इस डी पार्ट के बारे में आप लोग मुझे बताएं कि ये डिपेंडेंट होंगी या इंडिपेंडेंट होंगी। सर इंडिपेंडेंट होंगे, सर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होंगे। चलिए ठीक है, अब ये तीन वेक्टर्स आ गए, ये तो अभी तक हमने ऊपर डिस्कस किए, दो दो वेक्टर्स थे हमको चेक किया था कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तीन वेक्टर्स को मैंने आपको मेथड एक बताया था, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स के रैंक की तरफ चला जाना है, रो रो ऑपरेशन की तरफ चले जाना है। आपने उनको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर तो वो उसका रैंक जो है वो कम हो जाता है। चलिए मैं इसका आपको समझा देता हूँ, ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, सर जी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है आपने? इसमें प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि रैंक फाइंड करना बहुत इतना लेंथी काम नहीं है। आप रो ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, आप आर थ्री माइनस फोर आर वन, और सेकेंडली क्या करेंगे, आर टू माइनस टू आर वन, एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हैं। आ जाएगा वन वन टू, बेसिकली हमारा टारगेट तो यही है ना कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो ये देखते हैं कि क्या कम से कम टाइम में सॉल्व हो सकता ही नहीं हो सकता। वन एंड माइनस थ्री, ये आ जाएगा ज़ीरो वन वन। तो नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन क्या करना है, आर थ्री माइनस आर टू, तो ये क्या आ जाता है, तीसरी रो है सर, इसमें ये सबसे लास्ट एलिमेंट है वो फाइव माइनस एट माइनस फाइव माइनस एट माइनस थ्री आ जाएगा। डिपेंडेंट क्यों होंगे, हमने तो
ये क्या है डिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है। जब भी रैंक कम हो जाए वेक्टर्स का, वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करें वहाँ पर रो ऑपरेशन करें और रैंक कम हो जाए तो वो वेक्टर्स क्या है डिपेंडेंट है। अगर रैंक वही रहे तो हम उस जो फाइनल वेक्टर्स, अगर रैंक वही रहा है जो मैट्रिक्स ओरिजिनली था तो जो इनिशियल हमें वेक्टर्स के मानते वो इंडिपेंडेंट है। ये अगर आप देखें तो शॉर्ट मेथड एक किस्म का आप कह सकते हैं एमसीक्यूज इस टाइप के सॉल्व करने का। तीन वेक्टर्स आपके पास आ जाए, आपने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करना है। यही मेथड यहाँ पे भी यूज किया गया। सर अगर डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, अगर वो जीरो हो तो फिर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो वो नहीं कर सकते सर। ये हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट जो हम ले रहे हैं मैट्रिक्स, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर नहीं जीरो तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी सर, सर हमने भी पढ़ा था ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 1। ये मेथड आपको सुबह मैंने समझाया था, आपने इसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए पहला जो डेफिनेशन में हम डिसाइड करते हैं वहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि इनका कम्बिनेशन जीरो पुट करें और चेक करें ए बी सी की वैल्यूज क्या आती हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा ए प्लस 2b प्लस 4c और सेकेंड आ जाएगा ए प्लस 3b प्लस 5c और थर्ड आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5c। अब इनको आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली जीरो पुट करेंगे, ए प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू जीरो और थर्ड आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखें ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया जो मैं सुबह बात कर रहा था, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात है। जब ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉन जीरो, जी ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए ये जीरो आ जाए, सुबह मैंने आपको ये चीज बताई है, इसके बारे में जीरो जीरो आप जो बात कर रही थी हमजा, अब इसका हम क्या करते हैं, ये जो तीन इक्वेशंस आ गई हैं इनकी मैट्रिक्स बनाते हैं, इनका हम बनाते हैं 1, 2, 4, 1, 3, 5 और इधर से क्या आता है 2, 1, 5। क्या ये वही मैट्रिक्स है जो इधर हमने लिखी हुई है? नो सर, यही जी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या लिंक है सर? ये ट्रांसपोज है, जो रोज हैं वो कॉलम सारे ऐसे ही हैं या किसी में चेंजिंग है? चेंजिंग है, एक उधर प्लस वन है, इधर माइनस वन है। नहीं नहीं, माइनस साइन का है, नहीं माइनस वन गलती से, नहीं माइनस नहीं ये सर, बाकी तो रोज कॉलम में चेंज होगा। सर लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होंगे सर, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे सर, डिपेंडेंट होंगे। और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो फिर क्या होते हैं? तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होंगे।
अब जस्ट मुझे ये बताएं कि क्या इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा? इसको भी लिंक कर देते हैं आप, बताएं मुझे जो वो ऊपर मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम आएगा या नहीं आएगा? नहीं सर, ये जो मैट्रिसेस और ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सबका इतना कॉम्प्लिकेटेड था, हम इसे सिंपल क्यों नहीं करते? जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बेसिक डेफिनेशन, जिसे हम सिर्फ स्केलर्स को डील करते हैं कि वो जीरो आ गए तो हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट है, कोई नॉन जीरो आया तो वही चीज आगे आ रही है ना, उसी को ही स्केलर्स ही तो है ना, एबीसी स्केलर्स ही है जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। एबीसी की तीन इक्वेशंस आ गई हैं, एबीसी जो हम ऊपर फाइंड कर रहे थे, तीन इक्वेशन आ गए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गए। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमने दो चीज़ें चेक करनी है कि सॉल्यूशन 0-0 आता है या नॉन 0-0 आता है, ठीक है? तो अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है? ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म बन गई है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो जो 3.5 फर्स्ट फिगर की प्रूव करवाओ के। अब ए एक्स इक्वल टू जीरो बन गई है तो अब इसका हम डायरेक्ट चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करने लग जाए, हम ये चाहते हैं हमें दो में से एक ऑप्शन चाहिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है या नॉन ट्रिवियल आता है, हमें बस ये आंसर चाहिए इसमें से। तो वो आंसर हमें डिटरमिनेंट से डायरेक्ट मिलता है, दूसरा मेथड ये वाला है। अब मुझे ये बाकी लोग जो हैं, चले ऐसा आपको मैं और बता देता हूँ अगर आगे आपका क्वेश्चन है, बाकी लोग ये मुझे बताएं कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होगा? अच्छा अच्छा, आप कह रहे थे कि वो मेथड, अब उसमें देखें ना, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय हमें हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इन इक्वेशन में से जो ए बी सी की वैल्यूज आएंगी, क्या तीनों जीरो आएंगी या कोई एक नॉन जीरो आएगा? हमारा यही टारगेट है ना, डिपेंडेंट की बेसिक डेफिनेशन है। तो हम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गए, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर जो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बन रही है उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो सॉल्यूशन कौन सा आता है? ट्रिवियल आ जाता है। दैट्स इट जी सर, सेम आता है इनका आंसर जी। में इतना सोचने के बजाय अगर आप याद कर लेते ना, फर्स्ट ईयर जिन्होंने अगर तो रिसेंटली पढ़ाई हुई उनके माइंड में तो जरूर होना चाहिए, ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है और ए का डिटरमिनेंट होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है? पढ़ाया हुआ नहीं लेकिन आपने पढ़ा हुआ तो है, ऐसे ही है ना, पढ़ा हुआ है। इन दोनों मैट्रिसेस का रिजल्ट क्या, डिटरमिनेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप जो हमारा आपने क्वेश्चन किया था वो ठीक था कि अगर हम जिस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट रो ऑपरेशन की तरफ लेके जाएं या उसका डायरेक्टली क्या कर दें, जो वेक्टर्स गिवन हैं उनके डिटरमिनेंट चेक कर लें, तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है कि वेक्टर्स के डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है जी सर? क्योंकि इधर से भी हमने पूरी सिचुएशन ड्राइव कर ली है, असल में मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि इसमें इस तरह से रिजल्ट हाँ वाकई ट्रू होगा। अच्छा जी, रो ऑपरेशन नॉर्मली इस बुक वाले रो ऑपरेशन को यूज़ किया, रो ऑपरेशन भी ठीक है, डिटरमिनेंट भी ठीक है, दोनों में आपका इधर भी तीन स्टेप्स हैं उधर भी आपके दो से तीन स्टेप्स हैं, डिटरमिनेंट आपने एक्सपेंड करना है। बेसिक हमारा टारगेट क्या है कि 40 सेकंड में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, 40 सेकंड में। तो आपका अगर रो ऑपरेशन वाला मेथड आपका वो हाथ तेज चलता है तो रो ऑपरेशन से चेक कर लें, अगर आपको डिटरमिनेंट मेथड से ईजी लगता है तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लें। हमारा टारगेट क्या है कि आपने उस एमसीक्यू को जल्दी से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स वेक्टर्स के बारे में बताना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। दो मेथड मैंने आपको बता दिए, रो ऑपरेशन से अगर आपका रैंक जो है वो कम हो जाए तो वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। वो सारा प्रोसेस उसमें आ जाता है, ये इस मेथड में आ जाता है और इधर से ये मेथड आ जाता है। दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कोई क्वेश्चन है इस मेथड में तो अभी तक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आप मुझे आंसर बताएंगे जी। देखिए ना, हमारा मेन डिटरमिनेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि स्केलर जीरो या नॉन जीरो। अब नॉन जीरो में कुछ भी आ जाए हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है जीरो और नॉन जीरो, जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है? तो नॉन ट्रिवियल में कुछ भी आ जाए हमारा टारगेट जस्ट ये है कि नॉन जीरो या जीरो। ये वेक्टर्स हमारे पास हैं, 20 का नंबर प्रॉब्लम है, इसमें देखें डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं जी? ए नंबर मुझे बताएं, ए पार्ट जो है इसमें जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है? कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फॉरम से क्लिक करें आपको एक रिजल्ट करवाया हुआ है।
डिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट है, फोर हैं और आठ थ्री के हैं, तो इस वजह से डायमेंशन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ईएमसी को हमने सुबह भी डिस्कस किया था, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन को आर क्यूब है, उसकी डायमेंशन थ्री है और ये चार वेक्टर, तो आर क्यूब के अंदर चार वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट होंगे, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और जो बी है, आप लोगों के पास अगर रजिस्टर है तो मुझे अभी इसका सॉल्व करके बताएं, 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तीन वेक्टर्स हैं, इनको चेक करें जल्दी से कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है सर, बाकी लोग इंडिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट। बजाय चेक करने के ये देखें कि यहाँ पे नल वेक्टर आ गया है। नल वेक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, डिपेंडेंट होता है। इसके लिए नल वेक्टर के साथ अगर जीरो कोई नाम दे दो भी लगाएं, फर्स्ट करें 2 टाइम 0 0 किसी और के साथ भी इसको कंबाइन कर लेना, फिर आपने जस्ट यहाँ पे क्या चेक कर लेना है, एक लेकिन एक बात, नल वेक्टर तो इंडिपेंडेंट होगा ना, ये तो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि तो रिजल्ट भी है एक मेथड की बुक में जिसमें उन्होंने नल वेक्टर इंडिपेंडेंट बताया हुआ है और जीरो वेक्टर को डिपेंडेंट शो किया है। जी जी, नल वेक्टर में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन जीरो वेक्टर ओरिजिन से तो पास हो रहा है ना, इसको ओरिजिन कह सकते हो, एक पॉइंट निकलेगा। मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ या मैं बाद में आपको भेज दूंगी। इसका रिलेशन रैंक वाले से नहीं मिल सकता कि एक रो जो रो है वो जीरो हो जाएगी तो बाकी दो रह गए। हाँ, उससे भी तो गैस लगा के बता सकते, जनरली याद करने के लिए आप ये रख लें जहाँ पे जीरो जीरो वेक्टर है इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको आप डायरेक्ट, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक फिर से वही बात है, शॉर्ट शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड याद रखें कि ये अगर रिजल्ट यहाँ पे आ गए इसको डायरेक्ट यूज कर लें। अच्छा 21 देखें, तीन फंक्शन हैं साइन टी, कॉस टी और जस्ट टी हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, उसने कहा शो करें। इसको प्रूव तो फिर से वही बात है, हमने सॉल्व तो नहीं करना, बस इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक देखनी है कि इसमें किस तरह से शॉर्ट वे में हम इसको चेक कर सकते हैं डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये पहले भी क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है।
चेक करना है कि इसमें कैसे हम शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। 22 देखें, ये रिजल्ट जस्ट याद कर लें, सॉल्व नहीं तक करते हम इसको, रिजल्ट याद कर लें। यू वी डब्ल्यू तीन वेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके जो इस फॉर्म में कम्बिनेशन हम बनाएंगे, ये भी मेथड में की बुक में इस तरह के रिजल्ट दो तीन और भी हैं शायद, कि ये भी इंडिपेंडेंट ही रहते हैं अगर उनको हम प्लस करें माइनस करें और ये थर्ड वैक्टर इस टाइप का बनाएं तो ये फिर भी क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। आप इस रिजल्ट को याद रखें, प्रूफ नहीं हमने देखा कि प्रूफ कैसे किया गया। ये भी रिजल्ट है, आप लोग इसको जस्ट याद रखें कि ये वेक्टर्स जो हैं, ये वाले जो स्पेसिफिक वेक्टर्स हैं, ये अगर हम कॉम्प्लेक्स फील्ड को फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स लें तो ये इसके अंदर डिपेंडेंट होते हैं, बट अगर फील्ड जो है वो रियल ले लें तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रूफ इसका नीचे गिवन है, हमने आपने इसके जस्ट एज इट इज़ याद रखना, एज इट इज़ क्वेश्चन को पिक करते होते हैं नॉर्मली। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एज इट, ये मेथड की बुक में भी है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन का, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ बेसिस, बेसिस फॉर्म देखें, ए पार्ट बेसिस आर क्यूब की फॉर्म करते हैं, जी करते हैं बाकी लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जी और ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकी जितने भी हमारे बेसिस है ना, उन सब की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि अगर ये अगर इंडिपेंडेंट है तो वो लाजमी स्पैन कर जाएंगे, उसकी बेसिस बन जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें सी और डी में ही उसने रो ऑपरेशन करके उसको चेक किया है, बाकी दोनों ऊपर वाले पार्ट्स में तो उसने नो कॉन्सेप्ट सिर्फ दे दिया, उसने वो सिंपल रीज़न दे दिया कि तीन उसकी डायमेंशन है तो उसकी उससे कम या ज़्यादा वेक्टर उसको जनरेट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सी पार्ट है, ये ऊपर मैंने आपको मेथड बता दिया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करना है, ये दोनों आप देख सकते हैं, बुक आप लोगों के पास है, की डिटेल में मैं नहीं जा रहा। 4.25 डिटरमिन फॉर्म ऑफ बेसिस आर ऑफ आर फोर इफ नॉट फाइंड द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस दे स्पैन। अब देखें ये चार वेक्टर्स हमारे पास है, हमने इसको चेक करना है कि आर फोर को जनरेट करते हैं नहीं करते। अब आर फोर को जनरेट तो करेंगे, बेसिस हैं या नहीं, बेसिस मतलब उसमें ये हमने चेक करना है कि इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, बेसिस तो भी बनेंगे तो साथ इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, स्पैन तो कर रहे होंगे उसको, तो बेसिस कैसे चेक करेंगे इसको हम इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए आपका मेथड क्या है कि रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। अब देखें ना हमारा आप लोग उस वक्त कह रही थी कि वो डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट 4x4 का एक्सपेंड करना थोड़ा सा लेंथी होगा, रो ऑपरेशन करना यहाँ पर ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये मैथड थोड़ा सा रिकमेंड है। अब इसमें देखें हम इसका रो ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन यहाँ पर उसने किया होगा, रो ऑपरेशन करने के बाद हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स आई है उसका रैंक कम हो गया, जितने वेक्टर्स थे उसका रैंक कम हो गया, रैंक उसका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है।
अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको रिटर्न ये करा देता हूँ, बट ये क्योंकि रो ऑपरेशन है, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, मेथड आपके जहन में होना चाहिए कि मेथड क्या है। आपने चारों वेक्टर्स को एज ए रो लिख लिया और रो ऑपरेशन करते जाना है, एचिलॉन फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने देखा है कि रैंक जो है वो कम हो गए, मतलब जो जितने ओरिजिनल वैक्टर्स थे उससे कम हो गए, ठीक है। कम हो गए इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हैं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है सर, जी डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये R4 को जनरेट उसकी बेसिस नहीं बनेंगे, ठीक है, ये उसकी बेसिस नहीं बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन उसका ये है कि ये किसकी बेसिस होंगे, ये किस सब स्पेस को जनरेट कर रहे होंगे, ये इसकी जो स्पेनिंग सेट में वैक्टर्स आएंगे ना, ये इसके आगे चीज़ें लिखी हुई है। जो फोर वैक्टर्स हैं वो तो इंडिपेंडेंट हैं, बट अगर ये जो लास्ट वाला वैक्टर है वो कहता है अगर इसको हम एक्सक्लूड कर दें तो ये जो तीन वेक्टर्स ये क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर तीन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो कितने डायमेंशन की वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं, थ्री डायमेंशन की वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं। अगर तीन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड वाला बेशक छोड़ दें, ये रिजल्ट्स याद रख लें। कंसिडर द कॉम्प्लेक्स फील्ड विच कंटेन्स द रियल फील्ड्स विच कंटेन्स द रैशनल फील्ड, सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर एंड आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यूब। ये जो है वन आयोटा जो है बेसिस है सी की, ये याद रखें। मैं उनके आगे प्रूफ में ऑब्वियस कि हमने नहीं जाना, हमने जस्ट उनको याद रखना है क्योंकि ये एम सी क्यूज एजिट इज आएंगे। आर जो है इसकी, अगर क्यूब के ऊपर हम इसकी वैक्टर स्पेस फाइंड करते हैं तो इसकी इनफाइनाइट डायमेंशन होगी, ये भी याद रखें। रिजल्ट हैं, रीज़न तो आगे ट्रांसेंडेंटल नंबर की गिवन है, बट हमने वहाँ पे रीज़न तो नहीं जानना, तो एम सी क्यूज को टिक करना है। ये रिजल्ट्स हम ऊपर उसमें कर चुके हैं, अगर वेक्टर एक बढ़ा दें तो वो जो है लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो लीनियर कम्बिनेशन में ये इक्विवेलेंट की बात की गई है। अच्छा जी, डायमेंशन एंड सब स्पेस, ये मैंने सब स्पेस की बात तो वहाँ पे कर दी थी, अब यहाँ पे साथ वो बेसिस भी डिस्कस कर रहे हैं। सब स्पेस मैंने आपको बता दिया था, एक एग्जांपल ये वाली मैंने आपको सुबह डिस्कस कराई थी कि अगर तीनों कंपोनेंट्स जब इक्वल हो जाएं तो वो सब स्पेस बनती है या नहीं बनती है। सब स्पेस तो बनती है, अब ये भी उसने चेक नहीं किया कि सब स्पेस बनती है नहीं, जस्ट उसने इसकी डायमेंशन यहाँ पर डिस्कस की। इसकी डायमेंशन कैसे डिस्कस की है, आर क्यूब के इक्वल तो इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखें ना, ये एग्जैक्टली आर क्यूब तो नहीं है, आर क्यूब से छोटा सेट है ये वाला डब्ल्यू जो है। रीज़न उसने बताई, आर क्यूब से छोटा सेट है, आर क्यूब से छोटा सेट है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डायमेंशन थ्री से कम होगी, डायमेंशन थ्री से, क्योंकि आर क्यूब की डायमेंशन थ्री है तो थ्री से कम होगी इसकी डायमेंशन। अब वो जस्ट आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है, आप लोगों ने इसमें याद क्या रखना है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस मेन की इक्वल नहीं है, इसकी डायमेंशन थ्री से कम होगी। अब वो बाकी क्या हो सकती है, डायमेंशन उसने टू बताई है, इसको दो वेक्टर्स जो हैं वो जनरेट करेंगे और वो उसके इंडिपेंडेंट भी होंगे। सेट डायमेंशन थ्री से कम कैसे होगी, सब सेट है इसका, आर क्यूब का सेट है, एग्जैक्टली उसके इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना। उसने एग्जांपल दिए 1 2 3 है, 1 2 3 किसका एलिमेंट है, आर क्यूब का एलिमेंट है, ठीक है, बट इसके अंदर तो नहीं, तो एक एलिमेंट हमने ऐसा बता दिया है जो आर क्यूब के अंदर है बट डब्ल्यू के अंदर नहीं है, ठीक है जी सर। छोटा सेट है, उससे छोटी सब स्पेस ही फिर प्रॉपर सब स्पेस बन गई, जिसको आप प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, तो ये प्रॉपर सब स्पेस बन गई, इसकी डायमेंशन कम ही होगी। आर क्यूब की डायमेंशन हमें पता है कि थ्री है, अच्छा जी। उसके बाद ये इसकी रीज़न भी एक और भी है, अगर डायमेंशन इक्वल हो तो फाइनाइट के केस में, आगे एक रिजल्ट मुझे अभी मैं पढ़ रहा था इससे पहले है या इसके बाद में, कि डायमेंशन अगर इक्वल हो तो स्पेसेस इक्वल होती हैं। अच्छा जी, ये इसने दो इसके बेसिस वेक्टर्स फाइंड कर लिए और डायमेंशन इसकी टू आ गई। दूसरी जो ये वाला केस है जी, ये वाला केस है, इस केस में इसकी डायमेंशन उसने क्या कही है, इसको एक ही वेक्टर जनरेट कर रहा है जो 1 1 इसका है और इसका जो डायमेंशन है वो 1 है जी, ये 4.30 30 क्वेश्चन नंबर। लेट डब्ल्यू बी सब स्पेस ऑफ आर फोर स्पैन बाय दीज वेक्टर्स, फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। पहले तो आप लोगों को चेक करना होगा कि ये वेक्टर्स जो तीन गिवन है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है,
जी आप लोग चेक करें इसको, तीनों वेक्टर्स u1 u2 u3 इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं? वो ऑपरेशन ही करेंगे दूसरे में, डिटरमिनेंट तो नहीं हम फाइंड कर सकते। जी कर रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ जी क्या बना इसका, डिपेंडेंट आए इंडिपेंडेंट आए? रैंक इसका कम हो गया ना, तो ये फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है इधर लिखा हुआ है, मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। आप लोग कितना टाइम लगाएंगे? ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं डिपेंडेंट आ रहे हैं, कौन कौन से? 1-2, 5-3 और 0-7-9-2, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। दो वेक्टर्स इसको जनरेट कर रहा हूँ। अब देखिए ना, ये रैंक रैंक जो इस तरह से हम फाइंड करते हैं, इससे हमें फ़ायदा एक और भी हो जाता है, जो हमारे पास फाइनल वैक्टर्स ये दो रोज आ रही होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। जो दो नॉन जीरो रोज या जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, चाहे जो इनिशियल वेक्टर्स हमें दिए हैं उनमें से कोई डिपेंडेंट भी आ जाए, बट जो फाइनली वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसने इसलिए ना यही जो नॉन जीरो रोज है उन्हीं को उसने कह दिया कि वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो डिपेंडेंट होते तो रैंक और कम हो जाता। एक्सटेंड किया बेसिस को, उसको छोड़ दे बेशक। R5 के अंदर ये पांच वेक्टर्स हैं। अच्छा जी हाँ ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पांच वेक्टर्स आपको क्या मैंने यहाँ पे बताना है कि W की डायमेंशन क्या होगी इस केस में। अगेन वही आप क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे, आपके पास तीन वेक्टर्स आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट आते हैं, बाकी दो जो वेक्टर्स हैं वो क्या आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। तो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये क्या बन जाएंगे, W की डायमेंशन बन जाएगा, उसकी बेसिस बन जाएगा और उसकी डायमेंशन जो है वो 3 आ जाएगी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व है, मेथड आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेशन में मैं नहीं जाना चाहता कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम करते रहें, मेथड आपको बता दिए शॉर्ट मेथड, इसमें आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। 32 रिजल्ट याद रख लें, सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट रिजल्ट मेन चीज़ है, मेन चीज़ रिजल्ट है। 2x2 की जितनी भी मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस है, हम ये सुबह डिस्कस कर चुके हैं, 2x2 की जो मैट्रिसेस हैं वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करती हैं। इसकी सब स्पेस कौन सी हमने ली है, स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी कि कौन सी मैट्रिसेस हमने लेनी है जो कि सिमेट्रिक हों, वो मैट्रिसेस जो सिमेट्रिक हों, तो वो उसने कहा है कि उनकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 3 होगी। वैसे 2x2 मैट्रिसेस जो स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या है, सुबह हमने किया था 2x2
टू बाई टू की जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या है? जी सुबह ने किया था, टू नहीं होगा मतलब फोर हो गया। ठीक है मैम। अच्छा जी थ्योरम्स हैं, हम सुबह ये कर चुके हैं, लीनियर कम्बिनेशन, डिपेंडेंस और बेसिस के बारे में थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स हम कर चुके हैं। रिजल्ट्स इन लोगों के आपने याद रखने, इनके आपने याद रखने, ये एज इट इज़ भी आ सकते हैं। ये रिजल्ट हम ऊपर बार बार यूज़ कर रहे थे, अगर वी की डायमेंशन जो है वो एन है, ठीक है, तो एन प्लस वन जो वेक्टर्स होंगे उससे ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा डिपेंडेंट होंगे। बार बार क्वेश्चन के अंदर हम ये रिजल्ट यूज़ कर रहे थे, जब भी डायमेंशन मतलब एन आ जाए तो उससे ज़्यादा जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट ही रहेंगे। अच्छा, उनके लिए हम वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा तभी तो वो डिपेंडेंट होंगे इसके बाद के कोई भी वेक्टर। हम कह रहे हैं बी टू बी एन ये कुछ वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर इनसे एन प्लस वन चले जाएंगे तब वो डिपेंडेंट होंगे। ऐसे तो एग्जांपल या कोई भी वेक्टर एग्जांपल ले लें, आपके पास आर पावर फोर है, ठीक है, आपने आर पावर फोर उसी आर फोर जो है उसके चार अगर वेक्टर्स लिए हैं वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हमें उसके बारे में नहीं। लेकिन अगर पाँच वेक्टर्स की कलेक्शन हम लेते हैं, पाँच वेक्टर्स की कलेक्शन लेते हैं आर फोर के अंदर, तो वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। कलेक्शन की बात होती है ना, जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो हमारे पास वो एक सेट होता है वेक्टर्स का, ठीक है, तो कलेक्शन हम ले रहे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे कि आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। इंडिविजुअली वो कुछ भी है बट हमने उनके आपस में कनेक्शन नहीं चेक करना होता, कलेक्टिवली अगर हम उनको चेक करें तो वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ये जो ऊपर बात कर रहे थे एक क्वेश्चन के, उसकी बेस सब स्पेस की डायमेंशन कम क्यों होगी या ज़्यादा क्यों होगी, कोई भी एक वेक्टर स्पेस की कोई भी डायमेंशन ले लें तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, वेक्टर्स चेंज हो सकते हैं बट नंबर ऑफ़ वेक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, वो सेम रहते हैं। रिजल्ट है ये, याद रखें इस चीज़ को। बगैर वही क्वेश्चन ऊपर वाला, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन एन है तो एन प्लस वन वेक्टर्स जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और ये चीज़ एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विद एन एलिमेंट्स उसको हम वी की बेसिस बना सकते हैं। अगर हम एन वेक्टर्स हम लेते हैं और उनका हम प्रूव कर देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है तो वो वी की क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे, दैट्स इट। यही काम हम ऊपर एग्जाम्पल्स में कर रहे थे बार बार, हम तीन वेक्टर्स पर कर आर क्यूब के अंदर ले रहे हैं और हम उनको चेक करेंगे इंडिपेंडेंट है या नहीं, अगर इंडिपेंडेंट है तो हम उनको डायरेक्टली कह देते हैं कि वो बेसिस बन रहे हैं। ऊपर हम एग्जांपल्स में यही काम कर रहे थे सॉल्व प्रॉब्लम्स का। अच्छा जी, ये भी रिजल्ट्स हैं, हम कर चुके हैं जी। क्या नाम था, अक्सा भी, ये रिजल्ट में ऊपर आपको कोट कर रहा था, आपने कहा था ना कि उसकी डायमेंशन कम क्यों हो जाएगी, तो ये देखिए सब स्पेस है, अगर सब स्पेस है उसकी डायमेंशन लेस आर इक्वल टू एन होगी मेन स्पेस के, अगर उसकी डायमेंशन उसकी इक्वल आ जाती तो वेक्टर स्पेस वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये रिजल्ट में 4.40 की बात कर रहा हूँ। अक्सा भी मैं आप जी मैं देख रहा हूं, ये रिजल्ट में वहां पे बात कर रहा था कि अगर वो सब स्पेस है ना उसकी डायमेंशन लेस आर इक्वल टू, अगर उसकी डायमेंशन एग्जैक्टली वही हो जाती है तो वेक्टर स्पेस की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाएगी। तो अब वो अगर मैं रिजल्ट यहाँ पे जो कि हम कर रहे थे बढ़ने का कि इसमें इसकी डायमेंशन कम क्यों आती है, ये था देखिए ना, अगर तो हम ये कहते हैं कि इसकी डायमेंशन 3 है फिर इसको क्या होना चाहिए, आर क्यूब इक्वल होना चाहिए, बट ये आर क्यूब इक्वल नहीं है, हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिए और कुछ सीरियस नहीं है, इसकी डायमेंशन फिर क्या होगी, तो फिर जो हमारे पास Q अंडर रूट 3 था उसकी भी डायमेंशन R से लेस नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट हम बात कर रहे हैं,
स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एज ए वेक्टर स्पेस हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। ये था ना, ये अब रो स्पेसेस और कॉलम स्पेसेस की अब हम नहीं जा रहे हैं, ये नॉर्मली आपको कोर्स में नहीं शामिल होता है, जो कोर्स में चीज़ें शामिल होती हैं हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन चीज़ों की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है, बट मैं आपको जो एक्सरसाइज है उसके दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसमें एक और रिजल्ट आता है छोटा सा, ये 49 रिजल्ट देखें, ए जो मैट्रिक्स है, ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 की फर्स्ट वैल्यू, 3x3 की, 4x4 की कोई मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टेबल होगी इफ एंड ओनली इफ अगर उसका रैंक जो है वो एग्जैक्टली उसकी इक्वल आ जाए। ये रिजल्ट याद रख लें, उससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और अगर मैं आपको टिप दूँ एमफिल टेस्ट कह जाए यूनिवर्सिटी की, तो मैं कहूँगा इसको बेशक जो है ना रट्टा लगा लें, लेकिन एमसीक्यू के लिहाज से भी एक और इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, एक्सरसाइज के इसमें हाँ ये डायरेक्ट सम और इसके क्वेश्चंस हैं कुछ। U एंड W सब स्पेसेज हैं, तो U प्लस V, ये हम उधर डिस्कस कर चुके हैं, U प्लस W होना, ये इसकी मिस्टेक है, ये W होना है यहाँ पर, U प्लस W जो सब स्पेस होगी, ये सुबह के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, U एंड W जो है वो कंटेन कर रहे होंगे U प्लस W में, U प्लस W जो होगी स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी, रिजल्ट याद रखें अगेन मैं फिर से वही कह रहा हूँ, W प्लस W जो है वो W को इक्वल होगी, रिजल्ट याद रखें ये वाले। अच्छा जी, इसमें एक रिजल्ट आता है डायमेंशन, ऊपर भी हम जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, तो मैं आपको कह रहा था कि फार्मूला यूज़ होता है शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है कि मैक्सिमम इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम आंसर क्या होगा, ये फार्मूला मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया तो ये वहाँ पर बताया था कि ये आगे यूज़ होगा। देखें यू और क्वेश्चन पर पढ़ें, यू एंड डब्ल्यू आर डिस्टिंक्ट फोर डायमेंशनल सब स्पेसेस, उसने यू और डब्ल्यू की जो है डायमेंशन बता दी है, और V की डायमेंशन भी उसने बता दी है कि वो क्या होगी। ठीक है, तो अब देखें, बिकॉज U एंड V W आर डिस्टिंक्ट, U प्लस W प्रॉपरली कंटेन्स U एंड W, इट मीन्स U प्लस W को जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 6। ठीक है, ऐसा मैं चलिए इसका रिटर्न आंसर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन चेंज करके दे दिया जाए तो फिर आपके माइंड होना चाहिए करना कैसे। डायमेंशन जो मेन वेक्टर स्पेस है उसकी हमें गिवन है 6, सिर्फ कैलकुलेशन है, फार्मूला माइंड में होना चाहिए, यू की डायमेंशन है 4 और जो डब्ल्यू की डायमेंशन है वो भी 4 है। अब देखें यू प्लस डब्ल्यू जो है, यू प्लस डब्ल्यू इसकी बी फॉर डायमेंशन, इसकी डायमेंशन मैक्सिमम क्या हो सकती है, लेस आर इक्वल टू 6 हो सकती है, और मिनिमम क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि U और W जो है इनकी डायमेंशन क्या है, 4 है, मिनिमम 4 हो सकती है, इससे कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि U और W को हम ऐड कर रहे हैं, और मैक्सिमम V जो मेन वेक्टर स्पेस है उसकी इक्वल हो सकती है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, क्वेश्चन क्या है, हमने पॉसिबल चेक करना है कि U इंटरसेक्शन V की पॉसिबल क्या हो सकती है। ठीक है, U इंटरसेक्शन V की जो डायमेंशन है वो, अच्छा देखें ना डिस्टिंक्ट गिवन है ना, डिस्टिंक्ट होने की वजह से हम ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर, स्क्रिप्ट ग्रेटर का यूज़ करेंगे, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 5 हो सकती है या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है, अब फार्मूला पे आ जाए, फार्मूला है U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन U प्लस डायमेंशन W माइनस डायमेंशन U इंटरसेक्शन W, हमने इसकी पॉसिबल वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू पता होनी चाहिए,
ये तो है 4 प्लस 4, और ये फर्ज करें हमारे पास x है, ठीक है, इसकी जो आंसर हमने फाइंड करना है। और ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है, एक 6 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 8 माइनस x, और ये 5, और इधर से 8 माइनस x। x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक x की वैल्यू 2 हो सकती है और दूसरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w 2 हो सकती है, या क्या हो सकती है, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w जो है वो 3 हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए तो आप लोगों के ये माइंड में होना चाहिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इससे का जबरा यहाँ पे हो जाता है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ये देखें, डायमेंशन u इंटरसेक्शन w जो है वो 3 हो सकती है और डायमेंशन उसकी हो सकती है 2, दोनों पॉसिबल आंसर है। उसने क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछी, उसने एग्जैक्ट नहीं पूछी, एग्जैक्ट कब होगी, एग्जैक्ट क्या कंडीशन हो तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो वो एग्जैक्टली वी कैलकुलेट होगा। अगर कह दिया जाए ना कि v जो है वो इंटरनल डायरेक्ट सम है इसका u एंड w का, तो v किसकी इक्वल होगा, u प्लस w की इक्वल होगा। वो जो दूसरा साइन यूज़ करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो दूसरा साइन यूज़ करते हैं ना, अगर हमें ये कह दिया जाए कि v जो है वो इक्वल टू है u प्लस w के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन v जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो u जो v की डायमेंशन है वो हम यहाँ पे 6 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट करो u प्लस w। मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है कि इस केस में हम इसके इसकी भी फिर क्या होगी, ये जो इंटरसेक्शन है इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट इसका पता चल गया। पहले क्या था, इसका एग्जैक्ट नहीं पता था कि 6 हो सकता है या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसी के कॉरस्पॉन्डेंट ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। अगर फिक्स्ड है तो फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली ये इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है और इसके ये एमसीक्यू भी बन सकते हैं। अब ये देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया जा सकता है, आर क्यूब की डायमेंशन 3 है, उसने कहा कि ये इसका इंटरनल डायरेक्ट सम है, तो और यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन के अंदर कुछ पूछा जाए, इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आ रहा है, 0 एलिमेंट आ रहा है, उसके अलावा कोई एलिमेंट इनका कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें जस्ट प्रूव किया है कि ये इन दोनों का इंटरनल डायरेक्ट सम लिखा जा सकता है, आर क्यूब जो है वो यू प्लस डब्ल्यू है, डब्ल्यू जो है वो क्या है, वाई जी प्लेन है, और यू क्या है, ग्राफिकली आप बताएंगे, डब्ल्यू वाई जी प्लेन है क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, यू क्या है ग्राफिकली, जी जी तो ये एक लाइन है मेरे ख्याल में, तो थ्री डिमेंशन के अंदर भी, क्योंकि ये इसमें ए बी सी तीनों जो है वो सेम आ रहे हैं, तो एक दूसरे के मल्टीपल में है, फिर अगर वन 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 रखेंगे फिर टू 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 थ्री 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 इस तरह बनता जाएगा। अगर एस को यू वाइज पे स्पैन कर रहे हैं और एस डैश को
एस डब्ल्यू जे जो है वो स्पैन कर रहा है, तो एस यूनियन एस डैश जो है वो स्पैन करेगा यू प्लस डब्ल्यू को। ये रिजल्ट भी ये जहन में रखें, रिजल्ट एज इट इज जहन में रखें, इसमें रिजल्ट कैसे अप्लाई हो सकता है, बस एज इट इज रिजल्ट को भी याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, ये वो रिजल्ट के ऊपर हमने यूज किया है डायमेंशन इसकी ऊपर, अभी रिजल्ट हमने ये वाला यूज किया इसका, यहाँ पे प्रूफ के बाद ये रिजल्ट भी याद रखें, यू वी जो है वो इसके एग्जैक्टली इक्वल होगा अगर वी जो है वो यू प्लस डब्ल्यू हो, और यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ रहा, जीरो जीरो वेक्टर की इक्वल आ रहा। कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं डिस्कस किए वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी उसको छोड़ दें। ये जो है इसमें हमारे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ, सप्लीमेंट्री ये इसमें क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, वही टॉपिक्स दोबारा से आ रहे हैं यहाँ पे जो हम पीछे कवर कर चुके हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। 4.77 ये देखें, सब स्पेस चेक करना है कि सब स्पेस बनती है या नहीं बनती, ये लिख लें आप लोग असाइनमेंट के तौर पे। इसको भी लिख लें, 78 को भी चेक करें, 78 को भी आप असाइनमेंट के तौर पे लिख लें। इसके बाद ये रिजल्ट याद रख ले, मैंने आपको पहले बताया हुआ अगर दोनों में से कोई एक कंटेन कर जाए दूसरे में तो वो सब स्पेस बनती है यूनियन लेने के बाद भी, बस इसको याद रख लें। 81 को लिख लें असाइनमेंट के तौर पे, 81 को असाइनमेंट के तौर पे लिख लें। अच्छा जी, एटी टू को भी लिख लें असाइनमेंट के तौर पे, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91 ये रिजल्ट 92 वाला रिजल्ट जस्ट याद कर लें, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिजल्ट इसका जरूर याद रख लें, अगर उसने शो का लिखा हुआ है रिजल्ट ट्रू है ऑब्वियसली। 93 असाइनमेंट में कर लें, तो ये अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो उनके ये वाले जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ये भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। उसके बाद बेसिस और डायमेंशन में और क्वेश्चन आगे देखें, क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आपकी और प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि हमने इसके डिफरेंट क्वेश्चन और कैसे करने हैं। तो 97 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं असाइनमेंट में, 98 ये भी करना है आप लोगों ने, उसके बाद 112 है इसको एज ए रिजल्ट याद रख लें कि रैंक ऑफ ए प्लस बी जो है दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, एम बाई एन की दो मैट्रिसेस हैं, उनका जो रैंक होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा इंडिविजुअली उनका ऐड करने से, ये रिजल्ट एज इट इज याद रख लें, एमसीक्यू बन सकता है ये। और ये चीज़ भी ये रिजल्ट भी याद रखें, 2x2 के अगर मैट्रिसेस हों तो रैंक जो है वो इंडिविजुअली अगर उनको ऐड करें तो ऐड करने वाला जो रैंक होगा वो इंडिविजुअल रैंक से कम होगा। और अच्छा ठीक है ये फाइंड करना छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये फाइंड करना, ये जस्ट ये रिजल्ट आप ध्यान में रखें।
115 वही जो एग्जांपल मैं अभी सॉल्व करवा रहा था, फाइंड पॉसिबल डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, आप लोगों का काफ़ी काम है कल फ्राइडे के लिए, 115 असाइनमेंट में लिखें। इसके बाद ये ट्रू फॉल्स जरूर देख लें कि ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उनको याद भी रखें 135 वाले। वन थर्टी सिक्स को लिख लें असाइनमेंट में। आंसर्स गिवन है इनके आपने, लेकिन आपने इनको एक बार सॉल्व करना है, सबके आंसर्स गिवन है, बुक ग्रुप में शेयर की गई है, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, उनके आंसर आपने इनके असाइनमेंट बना के ग्रुप में शेयर करने हैं सैटरडे सुबह तक, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं पर काफ़ी, हमारा काफ़ी हद तक कवर हो गया, अभी हमारा इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू होगा, उसमें बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं, इसी बुक को ही हम फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद हम आइगन वैल्यूज़ वाले टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है जी। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।